आप देख रहे हैं दिव्य हिंदी न्यूज पर अकोला की टॉप 10 न्यूज। अकोला, बुलढाणा, वाशिम, अमरावती, वर्धा व चंद्रपुर तथा यवतमाल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की भाजपा कोर कमेटी के लगभग 600 सदस्यों में लोकसभा चुनाव से पूर्व ऊर्जा भरने तथा इन सभी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा की स्थिति का जायजा लेने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को अकोला पधारे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल अकोला दौरे पर आए थे, जिनका अकोला शहर में कई जगह पर पुष्प वृष्टि कर स्वागत किया गया। अकोला के सभी चौराहा पर अमित शाह जी को देखने के लिए नागरिकों की प्रचंड गर्दी दिखाई दी। शिवनी हवाई अड्डे से होते हुए अमित शाह अकोला शहर के मध्य से होते हुए रिधोरा स्थित होटल पर पहुंचे। स्थानीय लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम पर बुधवार 6 मार्च की शाम 6 बजे महासंस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया जाएगा। इस 5 दिवसीय महोत्सव का अकोलावासी लाभ उठाए, ऐसी अपील जिलाधिकारी अजीत कुम्भार ने की है। महोत्सव में लोक कला, पोवाड़ा समेत महाराष्ट्र की संस्कृति के दर्शन होंगे। 10 मार्च तक विविध कार्यक्रम होंगे। फरवरी माह में बेमौसम बारिश के कारण लगातार तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहा। कभी ठंड कभी गर्मी का सिलसिला मार्च माह में भी नहीं थमा है। विगत 48 घंटों में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक घटा है। मंगलवार को अकोला का अधिकतम तापमान 2.9 डिग्री तक बढ़कर 36.3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा है। लाइनमैन के नाम से लोकप्रिय महावितरण के जनमित्र महावितरण प्रणाली में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। वास्तव में लाइनमैन महावितरण प्रणाली की रीढ़ है, इसलिए लाइनमैन दिवस के अवसर पर उनके काम को सम्मानित किया जा रहा है। ऐसा प्रतिपादन मुख्य अभियंता दत्तात्रेय पडलकर ने लाइनमैन दिवस समारोह में किया। विदर्भ के मुख्य खेती का कार्य करने वाले किसानों के लिए पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यालय में नई तकनीक व कृषि में उद्योजकता विकास इस महत्वपूर्ण 2 दिवसीय परिषद का आयोजन कृषि अभियांत्रिकी विद्या शाखा व पीकेवी के रिसर्च व इंक्यूबेशन व कृषि अभियंता राष्ट्रीय संस्था अकोला चैप्टर के संयुक्त तत्वावधान में 7 व 8 मार्च को कृषि अभियांत्रिकी व तकनीक महाविद्यालय पीकेवी में आयोजित किया जा रहा है। रबी के इस मौसम में चने की कटाई आरंभ हो गई है, नतीजतन बाजार में नया चना आना शुरू हो गया है। अकोला कृषि उपज बाजार समिति में मंगलवार 5 मार्च को एक ही दिन में 4790 क्विंटल चने की रिकॉर्ड आवक हुई। अकोला महानगर पालिका आयुक्त एवं प्रशासक कविता द्विवेदी का पुण्य तबादला हो गया है। इस बीच मनपा आयुक्त एवं प्रशासक का दायित्व जिलाधिकारी अजित कुम्भार को सौंपा गया है। अकोला मनपा आयुक्त पद पर कोई भी बड़ा अधिकारी आने को तैयार नहीं हो रहा है, इसीलिए रिक्त पद के चलते इस पद का पदभार जिलाधिकारी को सौंपा गया। उद्योग विभाग की ओर से होटल आरजी एक्सक्लूसिव में मंगलवार को जिला स्तरीय निवेश परिषद में विविध निवेशकर्ता व महाराष्ट्र सरकार के बीच 750 करोड़ धनराशि का सामंजस्य करार किया गया। मैत्री कक्ष के नोडल अधिकारी औती व एमआईडीसी के प्रादेशिक अधिकारी पारदी, जिला उद्योग केंद्र के महाव्यवस्थापक संतोष बंसोट की उपस्थिति में परिषद प्रारंभ हुई। दी बेरार जनरल एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित श्रीमती लरातो वाणिज्य महाविद्यालय अकोला के एनसीसी कैडेट्स ने 3 मार्च को आरोग्य विभाग की ओर से चलाए जाने वाले पल्स पोलियो अभियान में लगभग 5 विविध स्थानों पर अपनी उपस्थिति देकर योगदान दिया। नमस्कार, आप देख रहे थे दिव्य हिंदी न्यूज की टॉप 10 न्यूज। जिले से जुड़ी सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए आज दिव्य हिंदी न्यूज के इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। साथ ही दिव्य हिंदी न्यूज के ऐप को प्ले स्टोर या स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे साथ बने रहें। दिव्य हिंदी न्यूज आपके परिवार को रखे जागरूक और आपको एक्टिव। धन्यवाद।